सलाम अलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत जल्दी बन जाने वाला गाजर का हलवा। इसे घर पे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत जल्दी से बन जाता है। आइए, और ये बहुत ज़्यादा लाजवाब, बहुत टेस्टी बना है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आइए तो बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने ये गाजर ली है। ये लंबी वाली गाजर है, जब भी आप लें तो ऐसी लंबी वाली गाजर लें। ये मीठी भी ज़्यादा होती है और इनका कलर भी ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपको ये ना मिले तो आप फिर जो भी गाजर मिले उनसे बना सकते हैं। इनको पहले छील लेंगे, फिर छील के कद्दूकस करेंगे। ये हमने धो ली है। और हमने एक ये बीट रूट ली है यानी चुकंदर, इसे भी डालेंगे। इससे कलर भी अच्छा आएगा। और इसे हमें बिल्कुल बारीक वाली जो साइड होती है कद्दूकस की, उससे कसना है। ये देखिए, मोटी साइड से जब भी आप गाजर कसें तो इधर जो बारीक वाली साइड होती है इससे कसना शुरू करें और इधर लंबी साइड से इस तरीके से कसें। ये देखिए, इस तरीके से लिटा के हमने ये गाजर कसी है तो ये हिस्सा इसका अलग निकल आया है। इस तरीके से हमें सारी गाजर कसनी होती है। ये हिस्सा हर गाजर में तो निकलता नहीं, किसी किसी में निकलता है। और ये हमारी बीट रूट है, इसे हम बिल्कुल ये जो बारीक वाली साइड है इधर से कसेंगे। आप चाहें तो इसे डालें, अगर आप ना चाहें तो ना डालें, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, हमने गाजर को कद्दूकस कर लिया है और आधी हमने बीट रूट ली है, आधी चुकंदर कद्दूकस की है, आधी बचा ली है। और ये हमने मलाई ली है, 3 से 4 चम्मच मलाई है, इसको डाल देंगे। जब तक गाजर में, अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप 1 कप दूध डाल सकते हैं। जो हमारे घर का 1 कप चाय पीने वाला होता है कप, उसका नाप कर दूध डाल दें। अगर गाजर में शुरू में थोड़ा सा दूध या मलाई डल जाए तो गाजर के जायके का स्वाद दुगना हो जाता है, इसलिए ज़रूर डालें इसको। और इसको पकाएंगे। गैस को हमने भी तेज कर दिया है बिल्कुल हाई। और ये भी डाल देंगे चुकंदर, इसमें बीटरूट, इससे इसका कलर भी बढ़िया आएगा। पकने देंगे इसको, गैस को करेंगे अभी लो पे कर देंगे जब तक हमारी गाजर पानी नहीं छोड़ती। और इसे ढकेंगे, थोड़ा सा आधा ढकेंगे। आइए, इसे धीमी गैस पर रख देंगे अभी 10 मिनट के लिए और इसे बीच बीच में चलाएंगे। ये देखिए, हमने एक पैन ले लिया है और ये 1/2 किलो दूध लिया है, 1/2 लीटर। और इसे दूध को डाल देंगे फ्राई पैन में। ये झटपट हलवा है, बहुत झटपट बन जाएगा। हाँ, ये दूध में बॉईल आ चुका है, इसे थोड़ी सी देर पकाएंगे और फिर इसका खाना बना लेंगे। गैस बंद कर देंगे और ये हमने विनेगर लिया है, इसमें 1/2 पानी मिला लिया है और इसमें ये थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आइए, इसको छान लेते हैं। आइए, इसमें पानी डालेंगे जिससे इसका खट्टापन निकल जाए सारा।
से तीन बार इसमें पानी डाल लेंगे। सारा पानी हमने निकाल दिया है। ये देखिए हमारे गाजर के हलवे का कितना प्यारा कलर आया है। इसमें हमने आधी ही बीट रूट डाली थी। गैस को मीडियम कर लेंगे। ये हमने दूसरे गैस पे बना लिया है। आइए इसमें छोटी इलायची डालेंगे, आधा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर डालेंगे। और अब इसमें हमें चीनी डालनी है। ये देखिए 200 ग्राम हमने चीनी ली है। आप चाहें अगर मीठा ज़्यादा खाते हो तो आप 250 ग्राम भी डाल सकते हैं। और इसे सारी चीनी को हम डाल देंगे। हमारी चीनी ने पानी छोड़ दिया है, इसे थोड़ी सी देर और पकाएंगे। ये देखिए इसमें बहुत हल्का सा पानी रह गया है, ज्यादा पानी नहीं है। और इसे अब हम इससे ज्यादा नहीं सुखाएंगे। और इसमें डाल देंगे हम अपना ये पनीर। गैस कर देंगे बंद। और अब इसमें ऊपर से डाल देंगे देसी घी। ज्यादा नहीं डालना, ये भी बहुत थोड़ा सा डालना है हमें। ये देखिए इसका कलर एकदम से बढ़िया हो जाएगा। अब इसे हमें पकाना भी नहीं है, बस इसको मिला देना है अच्छे से। और इसमें डाल देंगे कुछ बादाम और ये काजू, कुछ हमने ऊपर से सजाने के लिए रख लिए हैं। आइए इसको निकाल लेते हैं। आइए काजू डाल देंगे ऊपर से। और ये बादाम, देखिए नाजरीन ये बहुत झटपट बन गया है हमारा गाजर का हलवा। आप भी इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।